वेलकम ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है बहुत ही डिमांडिंग वीडियो। मतलब अभी तो सीज़न स्टार्ट हो गया ना फेस्टिवल का, तो डिमांड क्या है, ज्वेलरी की, ड्रेसेस की। मतलब पूरे महीने फेस्टिवल ही फेस्टिवल चलने वाला है। इतना अच्छा महीना तो मुझे कोई लगता ही नहीं है, क्योंकि नवरात्रि स्टार्ट हो गई, जिसमें आप दुर्गा पूजा, गरबा स्टाइल और बहुत बहुत मतलब दशहरा सब कुछ आ रहा है। उसके बाद आपका आ जाता है धनतेरस, फिर करवा चौथ आएगा, ये दिवाली आएगी, क्या नहीं है। तो इसके लिए भैया बहुत सारा ज्वेलरी चाहिए, बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए, क्योंकि एक ड्रेस पहन लेंगे ना, फिर उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करने के बाद दोबारा मन तो करता नहीं है पहनने का। तो बहुत सारे पैसे नहीं खर्च करेंगे। एक जो रीजनेबल प्राइस वाली अच्छी चीज़ें होती है ना, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेकिन ये जो वीडियो है, ये सिर्फ ज्वेलरी हॉल वीडियो है, और ये नवरात्रि चल रहा है, तो भैया ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, जो सिल्वर ऑक्सीडाइज होती है ना, वो सबका प्यार है, तो वो वाली ज्वेलरीज मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, जो भी हमारे जो व्यूवर्स हैं वो नए हैं, मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो सबसे पहले आता है ये वाला सेट, जो कि बहुत खूबसूरत है और बहुत ही डिमांडिंग सेट होता है। ये वाला डिज़ाइन होता है ना, मेरा फेवरेट है। और इतने सारे घुंघरू, आवाज़ सुनिए पहले, नहीं यहाँ पर आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, कितनी सुंदर है। मतलब पहनेंगे ना तो इतना अच्छा लगेगा। और इसकी जो मैचिंग ईयरिंग है, मैंने ऑलरेडी पहन रखी है, बहुत खूबसूरत है। तो चलिए इसको पहन के दिखा देते हैं। ओके, अब देखिए लुक कितना अच्छा आया, पूरी ड्रेस जो है ना वो खिल उठी है। तो ये ज्वेलरी है। अब आप पूछेंगे ज्वेलरी कितने की है, तो सबका जो प्राइस है ना, यहाँ स्क्रीन पे मेंशन हो जाएगा, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। जैसे मीशो का लिंक नहीं होता, कोड होता है, कोड आपको मिल जाएगा ज्वेलरी का। तो ये वाली जो ज्वेलरी है वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। और इसकी जो लेंथ है ना, ये बहुत कम्फर्टेबल है, यहाँ पर ऐसे चिपका हुआ नहीं। वैसे चिपके वाले अच्छे तो लगते हैं, बट कभी कभी ये वाला मन करता है। अब इसके ऊपर आप ऐसे जो चोकर है ना, वो भी पहन लेंगे, तो वो अगर लहंगा है आपका या साड़ी है गरबा डांस के लिए या फिर कहीं के भी लिए, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है। तो ये है। और इसका जो ये डबल लेयर है ना, ये बहुत खूबसूरत है, एकदम घना घना लुक देता है। तो आपकी जो लुक है और आपकी जो ड्रेस है ना, वो अगर सिंपल भी है ना, तो वो बहुत ही स्टाइलिश लगने लगेगी। तो ये वाला जो ज्वेलरी था, ये वाला, तो ये कैसा लगा? अगर पसंद आना तुरंत लाइक करिए, तुरंत लाइक करिए, उसके बाद दूसरा वाला देखिए, क्योंकि दूसरा वाला बहुत खूबसूरत है, एकदम डिमांडिंग पीस है। तो पहले लाइक करिए, उसके बाद दूसरे पे आते हैं। और सेकेंड वाला जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, ये वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं बहुत दिन से ये वाली डिज़ाइन ढूंढ रही थी और मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोर पंखी है, यहाँ पर कृष्ण जी के हाथ हैं, वो मुरली बजा रहे हैं, यहाँ पर प्यारे से हाथ हैं, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ घुंघरू भी आपको मिलेगा। और ये रहा हमारा जो गले का ये नेकलेस बोलेंगे ना इसको, हाँ, तो ये हम पहन के दिखाते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। और ये गुजरात में अब मोर का जो स्टाइल है ना, मोर हर चीज़ को में, इयरिंग में, सब कुछ में मोर स्टाइल वाला पहनने का, तो वो काफ़ी फेमस है। तो मुझे बहुत ही दिन से चाहिए था ये वाला। और ये ठीक है, तो ये वाला, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है ये पूरा, कितना सुंदर सा लुक आ रहा है ना। मतलब लंबा सा है, फिर यहाँ पे ये लटक रहा है, तो आप जब चलेंगे ना तो लोग पूछेंगे भी, भैया कहाँ से मंगाया है, इतना सुंदर। किसी में मोर का पंख का डिज़ाइन दिखता है, तो किसी में कृष्ण भगवान दिखते हैं, लेकिन इसमें सब कुछ आपको दिख जाएगा। बहुत ही अच्छी डिटेलिंग भी है इसकी। और ये जो है ना, ये बहुत सॉफ्ट है, मतलब आपको कहीं भी गड़ने वाला नहीं है, कहीं भी चुभने वाला नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसकी ईयरिंग भी मैं दिखा देती हूँ, अभी तो मैंने पहले वाली की ईयरिंग पहनी है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। निकालने के चक्कर में लाइट चली गई, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा। अभी मैं आपको स्क्रीन पे एक साफ वीडियो इसका दिखा दूँगी। ये देखिए, यहाँ पे मोर स्टाइल में ही आपको मिलेगा ये वाला, देखिए कितना खूबसूरत सा है मोर पंख स्टाइल में। तो ये इयरिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। तो ये था मैंने जो मंगाया था ऑक्सीडाइज। और भी है तो और भी हॉल लाऊंगी, लेकिन अभी लाइट चली गई तो मैं और बना नहीं सकती हूँ। ये है पूरा लुक, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अभी अगर लाइट होती तो और सुंदर से आपको दिख जाता साफ साफ, लेकिन इसमें भी समझ में आ रहा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा,
पसंद आया तो लाइक करिएगा और भी हॉल वीडियोस देखिएगा, क्योंकि भैया जब मंथ चल रहा है ना, जो ये महीना शुरू हुआ, इतना खूबसूरत महीना है, अच्छे से सेलिब्रेट करिए। आपकी नवरात्रि है, गरबा है और दुर्गा पूजा है, बंगाली स्टाइल में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ज्वेलरीज आपको दिखने वाली हैं। उसके बाद आपका ये करवा चौथ आएगा, दिवाली आएगी, सबका ड्रेस हॉल, ज्वेलरी हॉल, मेकअप, आपको सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पे। शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो सब बनाऊंगी मैं, सब आप चेक कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करके जाइए, पसंद आया तो, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जिन्होंने मेरा चेहरा पहली बार देखा वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके काम की वीडियो बनाती हूँ। और जब सब्सक्राइब करते ना, कॉमेंट करते हैं तो इतना मोटिवेशन मिलता है, तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइए दोनों में से आपको कौन सा पसंद आया। मुझे तो दोनों ही अच्छे लगे, बट ये वाला कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको ये दे दूँ, तो मैं आपको ये दे भी सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने व्यूअर से बहुत ज़्यादा लगाव है। जितने भी लोग हैं मुझे सब्सक्राइब करेंगे, अगर एक लोग करते ना मुझे एक लोग, अगर जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे एक एक सब्सक्राइबर बहुत ही प्यारे हैं। तो अगर आपको ये वाला चाहिए ना, तो मैं आपको दे भी सकती हूँ। तो कमेंट में आपको बताना पड़ेगा कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपका नाम भी शाउट आउट करूँगी जिसका कमेंट मुझे पसंद आएगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी लाइट चली गई है, बाद में बनाते हैं, अच्छा सा वीडियो बनाते हैं, ठीक है, बाय बाय।